हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी सनी देओल साहब के फैंस हैं भाई, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लाहौर 1947 से एक अपडेट आया और वो भी ऑफिशियल भाई, ऑफिशियली अपडेट आ चुका। बहुत सारे सब्सक्राइबर एंड जो सब्सक्राइबर नहीं भी हैं भाई, वो कहते आ रहे हैं भाई कॉमेंट में कि भाई कोई ऑफिशियली न्यूज़ बताओ, कोई ऑफिशियली अपडेट बताओ। यार ये सब तो है, लेकिन कोई ऑफिशियली अपडेट भाई आ चुकी है, ऑफिशियली अपडेट ही आ चुकी है, और ये बिल्कुल ऑफिशियल है। क्या है ये सब आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि भाई लाहौर 1947 की शूटिंग अभी जो है स्टार्ट होने वाली है एंड हो चुकी है। ये पता है, ये नहीं पता है, मैं बताता हूँ भाई, स्टार्ट हो चुकी है एंड शेड्यूल भी सेट किया जा रहा है कि सबसे पहले हमें किसका मतलब शूट करना है एंड क्या शूट करना है। ओए होए, मतलब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एक ऐसा सीन शूट होने जा रहा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मूवी के लिए ऐसा बेस्ट सीन है, एंड इस सीन के बिना मतलब जिस मोमेंट के ऊपर ये सीन शूट हो रहा है, ये जो मतलब मूवी के अंदर जो ये मोमेंट है ये काफ़ी बेस्ट है, एंड अगर ये मोमेंट हटा दो इस मूवी से तो इस मूवी का कोई बेस ही नहीं है, यानी कि आपको मूवी अच्छी ही नहीं लगेगी जिस मूमेंट पे ये सीन होने जा रहा है। अब ये मूमेंट पे कौन है करने वाला इस शूट, मतलब इस सीन को शूटिंग, एंड इस सीन में कौन है करने वाला वो बंदा, दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अलग तरीके का भाई चीज़ सामने आई है, जिसे सुनने के बाद में भाई मज़ा अलग ही आ चुका है। यानी कि दोस्तों अगर आप ये देखने जा रहे हैं कि सनी देओल भाई मूवी में मेन लीड में, आई नो डाउट सनी देओल साहब मेन लीड में है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट मूवी से रिलेटेड ऐसे आ रहे हैं जैसे कि भाई साहब यहाँ पे एक भंडारा तो लग चुका है भाई। मूवी मैं बता रहा हूँ गई 1000 करोड़ गई, सनी देओल की ये मूवी 1000 करोड़ गई, क्योंकि बात ही कुछ इस तरीके की है। ओए ओए, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया कि दिवाली के बाद शूटिंग स्टार्ट होगी, तो शूटिंग का जो है शेड्यूल सेट है। अब यहाँ पे शूटिंग के लिए निकल भी चुके हैं और 12 दिन इस सीन को शूट करने का यहाँ पे फैसला भी लिया जा चुका है। मतलब ये सीन जो शूट होगा वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है भाई 1-2 दिन और निकल जाएं। सबसे पहले बता दूं कि भाई इस सीन में आपको जो प्रॉपर एक कास्टिंग होगी इस सीन की पूरी, उसमें आपको सनी देओल साहब, तब्बू एंड उनके बेटे जो अभी बताया जा रहा है कि करण देओल हो सकते हैं उस मूवी में लाहौर 1947 में, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर हैं वो मेन है सनी देओल साहब, मतलब फादर के रोल में, वाइफ के रोल में आई थिंक सो तब्बू हो सकती हैं, बेटे करण देओल, एक लड़की का किरदार और है जो कि सनी देओल साहब की बेटी बनेंगी, वो निकल के नहीं आया अभी तक कि वो बेटी का किरदार कौन करने वाली है, या फिर हो सकता है कोई अननोन पर्सन हो, या फिर मुझे लग रहा है कि या तो कोई फेमस कोई सेलिब्रिटी हो, या फिर कोई हो कोई फेमस चेहरा जिसको हम जानते हो, तो अभी तक कोई नाम निकल के नहीं आया। लेकिन दोस्तों इस कहानी में एक लेडी का किरदार और है जो कि काफ़ी बड़ा किरदार है, मतलब ये कहा जाए कि एक ओल्ड लेडी का किरदार है। तो मुझे जो लगता है कि सनी देओल साहब की जो वाइफ है उनका जो मूवी के अंदर किरदार होने वाला है वो इतना हाईलाइट नहीं है, वो इतना लाइट, मतलब इतना बड़ा किरदार नहीं है जितना बड़ा उस ओल्ड लेडी का है। अब कहा जाए कि तब्बू को मूवी में क्यों लिया गया है, तब्बू को मूवी में देखो इसलिए लिया गया है क्योंकि तब्बू एक मतलब काफ़ी टाइम से काम करती हुई आ रही है और उनको काफ़ी अच्छा तजुर्बा भी है, और सनी देओल एंड तो तब्बू ने काफ़ी काम किया, काफ़ी बेहतरीन फिल्में की हैं और काफ़ी भाई ब्लॉकबस्टर भी गई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अपनी थ्योरी है तब्बू को लेके कि तब्बू का जो कैरेक्टर है वो आई थिंक सो या तो ओल्ड लेडी वाला होने वाला है, क्योंकि अगर सनी देओल साहब की अगर वो वाइफ बन के आती हैं तो यार मुझे लगता है कि उनका जो कैरेक्टर है ना वो कहीं ना कहीं सनी देओल की जो छाव में ना छुप जाएगा। मतलब सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी बड़ा कैरेक्टर है एंड वो जो काफ़ी पेड़ ही मान लो उस मूवी का सनी देओल का कैरेक्टर, एंड उस पेड़ की जो छाव है ना भाई वो उसमें छुप जाएगा, वो उभर के नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आमिर खान ने या फिर राजकुमार संतोषी ने उनको एक बड़ा रोल देने के लिए अपनी मूवी में जो कास्ट किया है वो आई थिंक सो किसी ओल्ड लेडी का होने वाला है, और ओल्ड लेडी वाला किरदार दोस्तों काफ़ी बड़ा किरदार है, ये समझ लो मूवी का जो मेन पॉइंट है ना भाई वहीं से शुरू हो रहा है। और तो और मुझे लगता है कि आमिर खान ने अगर इस बात के लिए और इसी रोल के लिए तब्बू को कास्ट किया है तो काफ़ी समझदारी का काम किया है, क्योंकि इस मूवी में मतलब जो स्टोरी है वो भाई पूरी मैंने पढ़ी भी है, एंड मैंने इसके ऊपर जो प्ले है
जो हुआ है, जो हमने जो है किया है मंडी हाउस में भाई, उस पर मैंने काम भी किया है। तो इस पूरी कहानी में जो एक लेडी का किरदार होने वाला है, जो एक बड़ा किरदार है, वो ओल्ड लेडी का है। और अगर इस पूरी कास्टिंग में देखा जाए, तब्बू यार काफ़ी बड़ा नाम है एंड मुझे लगता है कि उनको वही रोल मिलना चाहिए और वही देते तो ज़्यादा बेटर रहेगा और जो है करेक्ट भी रहेगा। अब देखो क्या होता है। फिलहाल तो तब्बू को लेके यहाँ पे पंगा है, क्योंकि अगर उनकी वाइफ का किरदार होता तो मुझे नहीं लगता। फिलहाल तो इस सीन के बारे में बात करूँ तो देखो, इस सीन में दोस्तों एक कैमियो वाला सीन है ये। आमिर खान इस कैमियो सीन को शूट कर रहे हैं और आमिर खान ही इस पूरे सीन में मेन होंगे। और मैंने जैसा आपको बताया था ना अपने लास्ट वीडियो में लाहौर 1947 की, कि आमिर खान का एक्चुअली में किरदार क्या होने वाला। भाई देखो, मूवी टोटली यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के विभाजन के ऊपर है और टोटली मूवी के अंदर आपको हिंदू मुस्लिम की ही बातें मिलेंगी। मतलब टोटल जो प्ले है ना, वो उस प्ले पे मूवी है। जिस लाहौर ना देखी हो वो जमिया ही नहीं, ये पूरा जो प्ले है ये हिंदू मुस्लिम की बातों में ही आपको जो है बिल्कुल डुबो देगा। एंड इसमें कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ बुरी बातें भी होंगी। तो आमिर खान का जो किरदार है, आई थिंक सो मुझे जो लग रहा है वो काफ़ी मेन किरदार है। जो मैंने नाटक देखा है वो एक मौलाना का किरदार निभाने वाले हैं और जो मौलाना जो बातें करेंगे उस, मतलब उस प्ले में जो मौलाना ने बातें की हैं, मतलब प्ले के दौरान जो एक कैरेक्टर मिला है आमिर खान को, तो वो एक ऐसी बातें हैं जैसे कि एक सीन है, मतलब नाटक में एक सीन है, जैसे आप मान लो पाकिस्तान में उस ओल्ड लेडी की जो है मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि यार हम जो है इसको जो है कैसे करें, तो कुछ लोग आते हैं कि भाई जो है इसको जो है हम अपनी रीति रिवाज से ही कर देते हैं। तो वो मौलाना साहब आते हैं कि नहीं, जो इसका धर्म है उसको उसी धर्म के हिसाब से आप लोग जो है इसको जो है करो। तो फिर वो जो है लेडी जो होती है वो नॉन मुस्लिम होती है एंड फिर जो है वहाँ के जो लोग होते हैं उनको उन्हीं के धर्म के हिसाब से, जो लेडी का धर्म होता है उन्हीं के हिसाब से उनको जो है कर देते हैं, मतलब जो है क्या करते हैं ना वो, आप समझ जाओ यार। अब इसके बाद में जो उन चीज़ों को बताते हैं जो वो शख्स जो होते हैं मौलाना, जो किरदार दिखाया है, वो मुझे लग रहा है कि आई थिंक सो ये आमिर खान का शायद हो जाए, क्योंकि बड़ा कैरेक्टर है वो। पूरी मूवी के अंदर अगर कोई कैमियो वाला सीन है तो वही हो सकता है, और उनका ज़्यादा बड़ा भी सीन नहीं है, क्योंकि 12 दिन का जो शूट बताया जा रहा है अभी लाहौर 1947 में, वो वही हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा सीन नहीं है, सिर्फ दो तीन सीन है। तीसरे सीन में तो वो उनका जो है नाटक के अंदर कत्ल भी हो जाता है उस सीन का। तो मुझे लग रहा है कि शायद आमिर खान है कैमियो में, लेकिन वो जो है इस मतलब मूवी में वो मर जाएंगे, उन्हें मार दिया जाएगा। कुछ ऐसी कहानी है नाटक की, आप देखना। अगर आपने नहीं देखा तो आप जो है यूट्यूब पे सर्च मार लेना, आपको पता भी लग जाने वाला है। तो दोस्तों मूवी की कहानी प्रॉपर आपको डुबो देगी अंदर, और लगभग ये कहानी आपको पूरी, मतलब स्टोरी जो मूवी होगी ना भाई, 2.5 से 3.25 घंटे की मूवी होगी, क्योंकि नाटक ही आपको 1.5 घंटे का देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद जब 1.5 घंटे का नाटक है तो उस हिसाब से जब ये मूवी को बनाएंगे ना, तो उस हिसाब से भाई 2.5 हो सकता है 3 घंटे की भी हो जाए, 3 घंटे का भी हो जाए। तो अभी दोस्तों जो फाइनली जो मेरा मतलब वीडियो बनाने के का जो मेरा जो मकसद था वो ये था कि भाई इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, 12 दिन का इन्होंने शेड्यूल रखा है, और तो और जब आमिर खान का ये शेड्यूल ख़त्म होगा उसके बाद में खुद आमिर खान भाई देखो अपना पूरा दिमाग जो है वो मूवी की शूटिंग में रखेंगे, और इसीलिए उन्होंने बोल दिया होगा कि भाई ऐसा है पहले मेरे सीन ले लो, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं अपने दूसरे कामों में लगूंगा एंड मूवी से रिलेटेड होगा। तो ये दोस्तों काफ़ी जो है मज़ेदार बात है। एंड उस सीन में आमिर खान का सनी देओल साहब के भी साथ सीन होगा एंड मतलब जो भी मेन किरदार है सबके साथ में सीन होगा, और एक दो किरदार तो काफ़ी मतलब दिलचस्प हैं, मतलब 2-4 किरदार ऐसे दिलचस्प हैं। इनके अलावा 2 किरदार और ऐसे हैं, एक तो बदमाशी वाला जो कैरेक्टर होगा इस मूवी के अंदर वो भी ज़बरदस्त होगा एंड एक होगा शायर वाला। मुझे भाई ये लग रहा था कि शायद शायर वाला जो किरदार है वो आमिर खान करेंगे, लेकिन शायर वाला किरदार काफ़ी बड़ा किरदार है, वो है काफ़ी बड़ा, क्योंकि अगर देखो आमिर खान एक मौलवी का किरदार नहीं करते हैं इस मूवी के अंदर, तो फिर वो शायर वाला किरदार ही एक ऐसा किरदार है जो काफ़ी समझदारी वाला है। मतलब पूरे प्ले में 2 ही किरदार मुझे लगे कि आमिर खान के हिसाब से ठीक रहेंगे, वो मौलवी वाला एंड वो शायर वाला, इन दोनों में से शायद एक होने वाला है, लेकिन मुझे ज़्यादा जो लग रहा है वो मौलाना वाले लग रहा है, क्योंकि वो उस सीन में मर जाएंगे एंड वो बातें ज़्यादा अच्छी होंगी, मतलब वो शायर वाले जो बातें होंगी
उस कैरेक्टर की जो बातें होंगी, जो डायलॉग डिलीवरी होगी, वो उनसे ज़्यादा अच्छी मौलाना की बातें होंगी। तो देखने वाली बात होगी, लेकिन भाई खुशी की बात यह है कि चलो शूटिंग तो स्टार्ट हुई। तो जितने भी सनी देओल साहब के फैंस थे भाई, वो तो खुश हो जी जाएंगे। फिलहाल नीचे कॉमेंट में मुझे बताओ कि भाई कितना एक्साइटेड है, कैसी लगी न्यूज़, क्या लगा और कैसा मतलब महसूस हो रहा है। नीचे कॉमेंट में मुझे जरूर बताओ। मिलता आपसे, थैंक्स फॉर।